कांग्रेस पार्टी पूरे हिंदुस्तान में बरसर एकदार गांधरबल बच बच जान मे ज्याद वन क्या बहुत यह चीज वन कि तुम करो सायद सब गरीबन हंद खा ठीक अमिस कहें लालच अमिस कहें प्रॉब्लम तई के अब मेरी एक गुजारिश है जितने भी जुल्म हम पे चल रहा है जितने भी जुल्म हम पे चल रहा है अमी सदबाव करने खातर क्या करो एक जेंडस सोन तर्जुमानी कर वो साहिल फारूक जोन मुनासिब कि ना बह कर लोक इस्तेमाल सायदस राहुल गांधी तम सिस तुम बुस मे मोहब्बत की दुकान खोलना चाहता हूं तुम कौन सो तक सदक नामना तुम त्रो पुन कीमती वोट और यह वोट त्रो तुम सही वत मे इनशाला अमु अंजाम वो तुम चूरम तारीख आज इनशाला जीत योत जन आज ये सान समुक सवाल असान कि जिले इंतजामिया तान पे गांधरबल कन लुकन मुश्किल वहां वातव जैसा आप जानते हैं कि इलेक्शन अभी अभी कल 25 तारीख यहां हमारे जेएनके में खत्म हुआ है। तो आज यहां जमा होने का मकसद ये था कि सबसे पहले जो हमने कहा कि हमारे कायद राहुल जी ने जिसकी कॉल पर जो वो कन्याकुमारी से चलकर कश्मीर आए थे तो उन्होंने एक नारा दिया था कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहा हूं। और आज आपने देखा ये मोहब्बत की दुकानें चारों ओर आपने देखी और यही एक पैगाम था। और हमारे जो लोग थे जिनको हमने अपील की थी कि आप अलायंस के कैंडिडेट को वोट दें उन्होंने वो वादा निभाया। सबसे पहले उनका बहुत बहुत शुक्रिया, उनको यहाँ बुलाकर हमने शुक्रिया अदा किया। और इसके साथ साथ जो जिला गांधरबल के अभी हमारे मसाइल हैं क्योंकि इलेक्शन तो हुआ लेकिन हमारे लोगों के मसले हल नहीं हुए। हम पिछले 10 सालों से यही गुजारिश कर रहे हैं। क्या वजह है कि पानी हमारा है और हमारे लोगों को पीने का पानी मयसर नहीं। जल शक्ति वाले तो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, करोड़ों के कपड़ों की बातें हो रही लेकिन हमारे इलाके गुटलबाग में सरस में गंगरहामा में वलीवार में सातन में चूरू में और यहां पे पानी नहीं। और यही वजह है लोगों के मसाइल। आप बिजली फीस को लेकर लोगों में बहुत गुस्सा है, लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि आमदनी नहीं है। किस सरकार ने आज तक 10 सालों में कितने हमारे बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिया, कितनी हमारी बहनों को रोजगार दिया, लेकिन इतने इस काम में तो ये माहिर है। अभी बिजली फीस में इजाफा, अभी प्रॉपर्टी टैक्स की जो बातें हो रही है, अभी हमारे जो हमारे रोड्स है जो पिछले 10 सालों से हम लगातार आपने देखा आप शाहिद है हमने नागबल से लेकर गंगरहामा तक एक बहुत बड़ी रैली की। उस रैली का मकसद क्या था? मकसद यह था कि लोग सरकार तक हम ये बात पहुंचाना चाहते कि हमारे बच्चों को तकलीफ है, हमारा जो रास्ता आपने रोक के रखा है, हमारे बहनों को तकलीफ है, बीमारों को तकलीफ है, यहां इस पुल से क्रॉस करते एक दो घंटे हमें ये अपना नागबल तक लगते हैं। क्या वजह है? और खासकर हमारे इस दरियाई सिंध पे काम करने वाले नौजवान जिनको तंग किया जा रहा है, मुख्तलिफ एजेंसियां तंग करती है, हमारे टिपर वाले अब टिपर चलाने से डरते हैं। क्या गुनाह किया उन्होंने? कर्जे से गाड़ियां लाई है बैंक से। हमारे ट्राली वाले डरते हैं अब काम करने से, हम उस डर को भगाना चाहते हैं। यही वजह है यहां जमा होने का। हमारे जो लोग हैं हमारे कायद ने जो ऐलान किया उस बात को घर घर तक पहुंचाना चाहते हैं कि इंशाल्लाह अगर कांग्रेस की सरकार आई और आएगी इंशाल्लाह 4 जून को हम आपको वही सिलेंडर जो 1300 का 500 का देंगे। और अगर आप दरिया सिंध को खोलना चाहते हैं तो फिर आपको कांग्रेस को वोट करना पड़ेगा। अगर आप गांधरबल के लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं आपने लाल भी देखा
आपने पीला भी देखा, एक बार कांग्रेस को मौका दो। अगर आप दरियाए सिंध को खोलना चाहते हो तो आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस को वोट करना पड़ेगा। अगर आपको गांधरबल में बेरोजगारी का खात्मा चाहिए तो आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस को वोट करना पड़ेगा। अगर आप नया पावर प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस को वोट करना पड़ेगा। अगर यहाँ आपको फ्री बिजली चाहिए, आपको बिजली फीस से छुटकारा चाहिए तो आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस को वोट करना पड़ेगा। अगर आप रोजगारों अगर बेरोजगारों को आप रोजगार देना चाहते हैं तो आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस को वोट करना पड़ेगा।